बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लिनक्स की मशीन का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको किस तरीके से रीसेट करवा सकते हैं या उसको आप रिकवर करवा सकते हैं। लिनक्स की मशीन का जो पासवर्ड है आप उसको बहुत ही आसान तरीके से रीसेट करवा सकते हैं। रेड हैट लिनक्स पासवर्ड रिकवरी, यानी लिनक्स के पासवर्ड की रिकवरी के बहुत सारे तरीके हैं। देर इज़ मैनी वेज़ टू रिकवर द रेड हैट लिनक्स पासवर्ड रिकवरी एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू इजी एंड इजी टू डू इट। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे एंड फॉलो अप करने के बाद आप लिनक्स के पासवर्ड को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि लिनक्स के पासवर्ड को हम कैसे रिकवर करते हैं। तो उसके लिए हम अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर मूव करते हैं और लिनक्स की जो हमने मेरे पास इंस्टॉल है वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमारे पास लिनक्स इंस्टॉल है। अभी मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। लिनक्स का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और अभी मैं इसके ऊपर जो मेरा पासवर्ड है मैं उसको ट्राई आउट करता हूँ और वो पासवर्ड जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लिनक्स की मशीन का पासवर्ड बआसान तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने लिनक्स की मशीन को का पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपने लिनक्स की मशीन को रीस्टार्ट करना होता है। तो आप जो है लिनक्स की मशीन को रीस्टार्ट करेंगे और उसके लिए जो है ना आपने जो हमारा जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट है उसमें हम आ जाएंगे और इसको CLI एनवायरनमेंट से भी आप रीस्टार्ट दे सकते हैं। तो हम अपनी लिनक्स की मशीन को एक रीस्टार्ट देते हैं। तो जितने टाइम में ये रीस्टार्ट होता है तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो मैं फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपका लिनक्स मशीन रीस्टार्ट होता है तो आपके पास ये बूट मेन्यू आएगा। बूट मेन्यू में आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और ई प्रेस कर लेना है। ई का मतलब है एडिट। एडिट के बाद आपने दोबारा ई को सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, कर्नल के साथ जो लिखा हुआ है आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप ई प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जब आपके पास ये जो क्वाइट लिखा हुआ है इसके आगे आपने स्पेस देनी है और इसके आगे आप लिख देना है सिंगल। सिंगल लिखने के बाद आपने ओके कर देना है और बी प्रेस कर देंगे। बी मीन्स बूटिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा लिनक्स की मशीन बूट होगा। जिस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हमारे पास सेफ मोड की ऑप्शन होती है, इस तरीके से हमारे पास लिनक्स के अंदर जो है सिंगल यूज़र मोड की ऑप्शन है। तो सिंगल यूज़र मोड के अंदर हम लिनक्स के अंदर ट्रबल शूटिंग करते हैं। लिनक्स के जितने भी वर्जनस हैं वो अगर लिनक्स 8 है, 9 है, एंटरप्राइज 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सब के अंदर जो है ना हमारे पास जो प्रोसीजर जो है ना वो हमारे पास सेम है और इस तरीके से आप अपने लिनक्स के पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं। तो अभी ये बूट होगा और ये हमारे पास जो है रन लेवल 1 के ऊपर जाएगा जिसको हम इनिट 1 भी कहते हैं, सिंगल यूज़र मोड भी कहते हैं। तो जैसे ही ये लिनक्स की मशीन रन लेवल 1 में लोड होगी तो डायरेक्टली आपसे ये अभी प्रॉम्प्ट पे आ गया है। प्रॉम्प्ट के ऊपर आप डायरेक्टली जाके लिखेंगे FastWD। FastWD लिखने के बाद और साथ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट FastWD लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपसे न्यू पासवर्ड मांग लेगा। मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है 123 और कंफर्म पासवर्ड 123 और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड द पासवर्ड और जो पासवर्ड जो है ना आपका चेंज हो गया। इसके बाद आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट लिखेंगे और आपकी मशीन जो होगी रन लेवल 5 के अंदर बूटिंग करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो मैं आपको शो करवा दूंगा कि आप लिनक्स का पासवर्ड जो है ना वो रिकवर हो गया है। अब हमारी लिनक्स की मशीन लोड हो गई है। मैंने इसमें यूज़र नेम टाइप किया रूट और पासवर्ड मैंने दिया 123, ओके किया और ये आपकी लिनक्स की मशीन लोड हो गई है। तो इस तरीके से हम लिनक्स का पासवर्ड इजीली रीसेट भी कर सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो अप करने के साथ हम अपने लिनक्स का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।